सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले डेली वीडियो अपडेट्स के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेटेस्ट ऑफ डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मेजरमेंट है। लेंथ है 40 इंच, शोल्डर है 13 इंच, चेस्ट 18 इंच, कमर 15 इंच, हिप 18 इंच, स्लीव्स की लंबाई 15 इंच, स्लीव्स की गुलाई 5 इंच। आइए देखिए, मैं मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये शोल्डर है 13 इंच, मैं यहाँ रखूंगी 6.5। ये मैं रखी 6.5। अब इसका आर्म होल मैं रखूंगी 7। चेस्ट 18 इंच है चेस्ट, 18 के 4 पार्ट है, 9 इंच होगा तैयार चेस्ट है मेरा। ये 1.5 इंच मैं सिलाई के लिए रखती हूँ। अब मैं यहाँ से कमर की लंबाई 13 इंच रखती हूँ। कमर 15 इंच है तो मैं रखूंगी 7.5 इंच तैयार, चौथाई भाग है। और इसका मैं 1.5 इंच सिलाई रखूंगी। ये 18 इंच रखूंगी, ये तैयार है सिलाई के लिए रखते हैं। आइए मैं इसमें सारे को मिलाते हैं। तैयार है, आइए मेजरमेंट कटिंग के लिए। इससे मैं 1 इंच गोलाई के लिए लेती हूँ। गले के लिए यहाँ 1/2 इंच शोल्डर पे यहाँ ऐसे निशान लगाते हैं। दामन मेरा 10.5 है। इतना ये रेडी है, ये इतना सिलाई के लिए। आइए मैं आप कटिंग करके दिखाती हूँ। कटिंग कर
ये यहाँ से आधा इंच शोल्डर पे झुका के काटते हैं। देखिए ये कट चुका है, यहाँ मैं शोल्डर पे कट लगाई हूँ और यहाँ कमर पे कट लगाई हूँ, ये हिप पे कट लगाई हूँ। हाँ ये देखिए, अब मैं चलिए स्लीव बताती हूँ। स्लीव्स है, स्लीव्स की लेंथ 15 है, इसको मैं 12 इंच रखती हूँ। हाफ इंच इधर सिलाई के लिए, हाफ इंच इधर सिलाई के लिए। लेंथ तैयार लेंथ रहेगी 11। यहाँ से मैं वो ये जो लगता है गोलाई चून लगता है वो लगाऊंगी मैं इसमें। ये इसकी चौड़ाई में 9 इंच ली हूँ, इधर से मैं इसको 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, इसको ऐसे धीरे आहिस्ता आहिस्ता गोलाई करूंगी। यहाँ स्लिप की गोलाई सर्कल है 5, यहाँ इसको सिलाई के कटने के लिए मैं 6.5 लूंगी, सर्कल है 5, ये तैयार हुआ 5 और ये 1.5 इंच सिलाई की। अब इसको यहाँ से मैं मिलाती हूँ। आइए मैं कटिंग करती हूँ, पहले यहाँ से इसको यहाँ पे मैं कट लगा दूंगी। तो इसी से मैं यहाँ पे 15 इंच लेने का है, यहाँ पर मैं 11 ली हूँ, यहाँ मैं 4 इंच ये लूंगी लंबाई चुन के लिए और आधी इंच सिलाई के लिए लूंगी, आधी इंच सामने फोल्ड होगा आधी इंच पीछे, 5 इंच मैं लूंगी, ये 5 इंच को लेकर मैं इसको ऐसे करूंगी, ऐसे जो डिजाइन बनता है वही मैं स्टिचिंग करूंगी तो आप देख लेंगे। ये आस्तीन में ये कपड़ा लगाने का है, इसमें आस्तीन का चून मैं ऐसे बना रही हूँ, इसमें 5 नंबर की सिलाई बड़ी बड़ी चलानी है, ऐसी बड़ी बड़ी सिलाई चलाएंगे, फिर इसको धागा को ऐसे टान देंगे चून बन जाएगा। ये ऐसे दो धागा रहेगा, उस धागे को एक ऐसे पकड़ के टान देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ये चून बन जाएगा। ये अपने हल्के हाथों की मदद से ऐसे इस पर रखिए, धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके सिलाई चलाना है ताकि अच्छे से इस पर चून बैठ जाए। देखिए मेरी चून कितनी सफाई से बैठ रही है। देखिए ऐसे चून लग गया, ये लग अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर मैं इसको भी बैठाऊंगी, ये भी अच्छा लगता है, इसके ऊपर ऐसे रहेगा डबल डबल ईयर लगाएगा, मैं उसको भी लगाती हूँ। इसी के ऊपर इसको सिलाई चलाएंगे,
देखिए ये डबल लेयर की आस्तीन तैयार हो गई। फ्रेंड मैं इसको ऐसे जोड़ ली हूँ ये कपड़ा को, और इसमें मैं ऐसे छोटा कपड़ा बचा हुआ था इसको मैं चून बना ली हूँ, ये डिजाइन अच्छा लगेगा। इस पर मैं इसको ऐसे मोती डाल के भी दिखाऊंगी आपको, और फिलहाल मैं आपको चून बना के बता रही हूँ चून इस पर कैसे बनेगा। एक कॉलर वाला मैं बनाऊंगी, कॉलर लगाना भी आपको सिखाती हूँ। कपड़े को ऐसे बारीक करके फोल्ड कर ले। मैंने यहाँ कुछ बटन लिए हैं, ये बटन ऐसे यहाँ पे काट देंगे इसमें ऐसे करेंगे। ये मैं इस पे कॉलर लगाती हूँ, कलर बना लिए हैं, और यहाँ पे मैं बीच में कट लगा दी हूँ ऐसे, कॉलर में बीच में कट लगाई हूँ। कॉलर कभी भी लगाए तो ऐसे ही लगा, ऐसे कट लगा कर यहाँ से सिलाई चला। बता रही हूँ कॉलर लगा कर कैसे कॉलर फिटिंग होता है। दोनों तरफ से फिट कर ली है, देखिए अगर ऐसे ना निकल रहे बीच बीच से कट कर देंगे। कलर मेरा इतने सही तरीके से कलर बैठा है, उसको अच्छे से फोल्ड कर ऐसे करके इसको फिट कर। देखिए गला सिल के तैयार है, अभी मैं इस पर कच्ची सिलाई चलाई हूँ, ये खुला हुआ है, मैं इसको खोल दूंगी तब फिर यहाँ बटन टाकूंगी। ये कच्ची सिलाई चलाई हूँ, अब मैं आप आस्तीन बताने जा रही हूँ, आस्तीन लगाऊंगी इस पर। आइए अब मैं आस्तीन लगाती हूँ, कॉलर हो गया। आस्तीन भी बीच में ऐसे कट लगा कर फिर ऐसे पीछे सिलाई देंगे, ये सिलाई जो रहेगा इसको पीछे कर दो, ये सिलाई पीछे होना चाहिए शोल्डर का, तभी कपड़ा फिटिंग बैठता है। अब इसका प्रॉब्लम फिटिंग करके, अभी एक कपड़ा को फिटिंग करूंगी, फिटिंग करके बटन लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए टॉप सिल के मेरा तैयार हो गया है, ये मेरा टॉप अब सिल के तैयार हो गया डिजाइन वाला। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।